दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कार में पेट्रोल की जगह डीजल डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि मोबाइल का कैमरा हमेशा बाईं ओर ही क्यों होता है? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि शाम के समय मच्छर हमारे सिर के ऊपर ही क्यों मंडराते हैं? और क्या वाकई में कॉम्प्लैन और हॉर्लिक्स पीने से बच्चों की लंबाई बढ़ जाती है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जबरदस्त फैक्ट बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर बात की जाए प्लेन के फ्यूल की तो शायद ज्यादातर लोगों को यही लगता होगा कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए इनमें पेट्रोल डाला जाता है। पर आपको बता दें कि ये जहाज ना तो पेट्रोल से चलता है और ना ही डीजल से। आप सब सोच रहे होंगे कि अगर ये जहाज पेट्रोल या डीजल से नहीं चलता तो फिर आखिर ये चलता कैसे है? दोस्तों, हवाई जहाज को चलाने के लिए एक खास तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। और ये जेट फ्यूल अलग तरह के हाइड्रोकार्बन्स को मिलाकर बनाया जाता है जो कि मिट्टी के तेल की तरह ही एक पदार्थ होता है। और इसे प्लेन के अंदर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब सर्दी बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो पेट्रोल और डीजल के जम जाने का खतरा होता है। अब जमीन पर चल रही गाड़ियों के पेट्रोल जमने से ज्यादा गाड़ी रुक जाएगी, पर अगर यही काम आसमान में हो जाए और हवाई जहाज का पेट्रोल फ्रीज हो जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। जहाज क्रैश हो जाएगा। और इसीलिए हवाई जहाज में पेट्रोल या डीजल की जगह पर जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए मच्छरों की तो हर रोज कहीं ना कहीं इनसे आपका पाला जरूर पड़ता होगा। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, पर इनसे छुटकारा पाना असंभव है। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि अक्सर जब हम कहीं पर बैठते हैं या अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं तो ये मच्छर हमारे सिर पर आकर भिनभिनाना शुरू कर देते हैं। और खास करके शाम के समय अगर किसी खुली जगह पर बैठ जाएं तो दर्जनों मच्छर एक साथ हमारे सिर के पास मंडराते हुए दिखाई देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये मच्छर हमेशा सिर के ऊपर ही क्यों मंडराते हैं? काफी लोगों को ये लगता है कि ऐसा सिर पर लगे तेल की वजह से होता है, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मच्छरों को मानव शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध बहुत पसंद होती है। जब गर्मी होती है तो पूरे शरीर से पसीना निकलने लगता है और जल्दी सूख भी जाता है, पर सिर पर बाल होने की वजह से पसीना बालों में जल्दी सूख नहीं पाता और सिर में हुए पसीने की गंध शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मच्छर ज्यादातर इस गंध से आकर्षित होकर सिर के पास ही मंडराते रहते हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसे ये बात पहले से पता नहीं थी? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दूध के साथ में बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स या फिर कॉम्प्लैन वगैरह डालकर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर विटामिन और प्रोटीन मौजूद होते हैं जिन्हें पीने से बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दरअसल बच्चों का शरीर इन सभी चीजों के बिना भी आसानी से ग्रो कर सकता है। और अगर बात की जाए लंबाई बढ़ाने की तो इस काम के लिए तो अकेला दूध ही काफी होता है, क्योंकि दूध ही वो चीज है जो बच्चों के शरीर में प्रोटीन और विटामिन की कमी को दूर करता है जिससे बच्चे का शरीर ग्रो करता है। आपको बता दें कि ये अलग अलग तरह के जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद हैं, ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए होते हैं। इनके अंदर विटामिन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। इन सप्लीमेंट्स में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो कि बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव डाल सकती है। और बच्चे भी इन सभी चीजों को इसीलिए पीना पसंद करते हैं क्योंकि वो दूध को और भी स्वादिष्ट बना देता है। बाकी इसके अलावा इन सप्लीमेंट्स का कोई भी खास फायदा नहीं है। दोस्तों, आजकल के समय में लगभग सभी के हाथ में मोबाइल फोन तो होता ही है और शायद आप में से बहुत से लोग इसका भरपूर इस्तेमाल भी करते होंगे। और आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी नए मोबाइल फोन मार्केट में मौजूद हैं, उनके कैमरे या तो मोबाइल के बीच में होते हैं या फिर मोबाइल फोन के बाई तरफ लगे होते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी मोबाइल फोन बनाए गए हैं इनमें से किसी का भी कैमरा दाहिनी ओर नहीं होता। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे की मुख्य वजह ये है कि दुनिया में अधिकतर लोग राइट हैंडेड होते हैं और सीधा हाथ इस्तेमाल करने वाले बंदे के लिए हर काम बाईं ओर से शुरू करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए मोबाइल के कैमरे को हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है ताकि इससे फोटोज और वीडियोस आसानी से शूट किए जा सके। पर अगर मोबाइल का कैमरा दाहिनी ओर होगा तो जो लोग अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये काम बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि उनकी उंगलियां कैमरे के ऊपर आ जाएंगी। इसी वजह से मोबाइल फोन में कैमरे को बीच में या फिर बाईं तरफ ही लगाया जाता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर छोटी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन लगे होते हैं जिससे इनमें हमेशा पेट्रोल डाला जाता है और बड़े बड़े वाहनों को चलाने के लिए उनमें डीजल को भरा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल भर दिया जाए तो क्या होगा? अब शायद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों ईंधनों का काम तो सेम ही होता है, इसलिए पेट्रोल की जगह डीजल डालने से भी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी
कार में पेट्रोल की जगह पर डीजल डाला जाता है तो सबसे पहले वो गाड़ी के इंजन और फिल्टर को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, जिससे गाड़ी को चालू करना भी मुश्किल हो जाता है। और अगर उसमें पहले से मौजूद पेट्रोल की वजह से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए तो इसमें डीजल मिक्स होने की वजह से गाड़ी में से तेज धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने से इंजन में आग लगने का खतरा भी बना रहता है। और अगर ऐसा ना भी हो तब भी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए कभी भी पेट्रोल इंजन वाले वाहन में डीजल डालने की गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने पोकेमॉन कार्टून तो देखे ही होंगे। अगर बात की जाए पिकाचू की तो ये पोकेमॉन कार्टून का सबसे मुख्य किरदार है, जो कि देखने में बहुत ही क्यूट लगता है। पर दोस्तों, क्या आपने पिकाचू को कभी असल जिंदगी में देखा है? अब शायद आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में जो ये जानवर दिखाई दे रहा है, इसे पहली बार में देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये रियल लाइफ का पिकाचू है। इसके शरीर का रंग बिल्कुल ही येलो होता है। इस जानवर को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, जिसकी शक्ल कार्टून वाले पिकाचू से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसका नाम भी पिकाचू रख दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जानवर दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है, जिनकी संख्या लगभग ना के बराबर ही है। खैर, जो भी हो, पर देखने में ये जानवर बहुत ही क्यूट लगता है। दोस्तों, आप सबने अक्सर सड़क पर कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सकेवेटर, जेसीबी और क्रेन वगैरह जैसे भारी भरकम वाहन तो देखे ही होंगे। और आप सबने शायद नोटिस भी किया होगा कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जितने भी वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब का रंग हमेशा येलो ही होता है। तो क्या आप जानते हैं कि इन मशीनों को हमेशा पीले रंग में ही क्यों बनाया जाता है? असल में ये सभी भारी मशीनरीज होती हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक भी होती हैं। और इन्हें येलो कलर में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि पीला रंग किसी को भी दूर से ही दिखाई दे जाता है। जब कोई ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है तो उसे दूर से ही इसके पीले रंग की वजह से ये पता चल जाता है कि आगे कोई व्हीकल मौजूद है और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और अगर ये गाड़ियाँ भीड़ भाड़ वाले सड़कों पर भी ट्रेवल कर रही हो तब भी इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इस येलो रंग की वजह से ये दूर से ही दिख जाती है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी नया नया फोन लिया होगा, पर दोस्तों आपने देखा होगा कि अब कई सारे नए स्मार्टफोन मार्केट में ऐसे आते हैं जिनके साथ में चार्जर और हेडफोन का आना बंद हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कंपनियां अब ऐसा क्यों करती हैं? दोस्तों, इन कंपनियों का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माहौल को इको फ्रेंडली बनाया जा सके, पर इसका असली कारण कुछ और ही है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि जब भी कोई इंसान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो उसे चार्ज करने के लिए उसे चार्जर की भी आवश्यकता होती है, साथ ही कई बार हेडफोन की भी जरूरत लग जाती है। पहले तो कंपनियां मोबाइल के साथ में ये सभी चीजें फ्री में देती थी, पर अब इन कंपनियों ने अपने फायदे को बढ़ाने के लिए चार्जर और ईयरफोन को अलग से बेचना शुरू कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नया फोन लेता है तो उसे चार्ज करने के लिए या फिर म्यूजिक सुनने के लिए उन्हें न चाहते हुए भी चार्जर या हेडफोन के पैसे अलग से देकर खरीदने पड़ते हैं। खैर, जो भी हो, पर इन मोबाइल कंपनीज ने अब ये करके लोगों को विधिवत लूटना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ओनर ऑफ थॉट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।